दोस्तों सातवां वेतन आयोग पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स कल्याण विभाग से आई ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पेपर देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा 3 सितंबर 2020 को जारी किया गया एक लेटर है, और उस लेटर का सब्जेक्ट भी यहाँ पेपर देख सकते हैं कि इनहांसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो क्या सच में ही यहाँ पर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली है तो कितनी बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत पेंशनर्स समाज के द्वारा एक लेटर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में, और काफ़ी सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया था, और यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई थी कि जो फैमिली पेंशन यानी न्यूनतम जो फैमिली पेंशन दी जा रही है 9,000 रुपये हर महीने, वो काफ़ी कम है और इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार के द्वारा की जाए। और इसमें सातवें वेतन आयोग की जो कुछ सिफारिशें थी उनका भी जिक्र किया था, लेकिन अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जो जानकारी यहाँ पर दी है, इस जानकारी के अनुसार कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उस सिफारिशों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को द्वारा जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% उसकी सर्विस पेंशन फिक्स की जाती है, और उसका जो 33% है वो उस सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को फैमिली पेंशन के रूप में दी जाती है। अब यहाँ पर जो मांग उठाई गई थी, इस मांग को यहाँ पर यानी कि नहीं माना है, और यहाँ पर कहा है कि जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो फैमिली पेंशन फिक्स की गई है उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी करना फिलहाल संभव नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन व्यू ऑफ द रिकमेंडेशन बार ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेवंथ पे कमीशन बींग एक्सेप्टेड बाई द गवर्नमेंट देयर डज नॉट अपियर एनी फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल्स दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर यानी कि जो पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई गई थी भारत पेंशनर्स संगठन के द्वारा, उसको डिपार्टमेंट ने नहीं माना है और यहाँ पर मना कर दिया है कि जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो सिफारिशें की गई हैं जिनको भी सरकार ने मान लिया है, और उन सिफारिशों से ज़्यादा पेंशन में बढ़ोतरी करना यहाँ पर फिलहाल संभव नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।